ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। भगवान जाने क्या होने वाला है, गाय का काम करते करते बूढ़ी होने लगी हूँ और ऐसा दर्द कभी किसी को होते नहीं देखा। राम रखी बहन तुम? हाँ अली भाई मैं। राधा बहन ने माता की मूर्ति मंगवाई है, लेकर आई। अच्छा अच्छा, राधा बहन से कहना कि उसका भाई अली खुशखबरी सुनने के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ केतु। लो बहन माता की मूर्ति। माँ, तेरी माँ नारी का दुख नारी ही समझती है। मुझे भागन विधवा को माँ तेरा ही सहारा है। माँ दया करना माँ। माँ या अल्लाह, मेरी विधवा दुखियारी बहन को बेटा दे ताकि खानदान का नाम चलता रहे। करम करो मालिक। अली भैया बधाई हो, भांजा हुआ है। मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी फरियाद सुन ली। अली भैया राधा बहन हमें छोड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन? कोई भी तो नहीं। त्रिलोचन तेरे कान बज रहे हैं, सो जा। त्रिलोचन त्रिलोचन भूत 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 ठहर जा। भूत माता के पुजारी होकर भूत प्रेतों की बातें करते हो? तो फिर तू है कौन? मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, किंतु तुम में वो दृष्टि नहीं जो मुझे देख सके। जरा सोचो, इस पवित्र स्थान पर सिवा माता के और कौन आ सकता है? माता? माता साक्षात मुझसे बातें कर रही है, किंतु मैं कितना अभागा हूँ कि आपके दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। ज्योता वाली माँ, इस निर्गुण के लिए क्या आज्ञा है? इस गांव में मेरे एक भगत ने जन्म लिया है। राधा के घर जाओ और ध्यानु को यहाँ ले आओ। ध्यानु? हाँ ध्यानु, क्योंकि राधा ने मेरे ही ध्यान में अपना देह त्याग किया है, इसलिए मैंने उस बालक का नाम ध्यानु रखा है। उसका पालन पोषण करके अपना जीवन सफल करो, जाओ। जो आज्ञा, जय माता की। दुलारी बहन, अब इस बच्चे की परवरिश तुम्हें करनी है, इसे अपने घर ले जाओ। नहीं नहीं भैया, इस मनहूस बच्चे को कौन अपने घर ले जाएगा? जब पेट में था तब बाप को खा गया, पैदा होते ही माँ को खा गया। नहीं नहीं, बच्चा खुदा का नूर होता है, इसे ऐसा मत कहिए। तो फिर तुम ही ले जाओ इसे अपने घर। भक्तजनों, पुजारी जी, इस बालक के बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे देवी माँ ने आदेश दिया है, इसका पालन पोषण मंदिर में ही होगा, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आओ ध्यानु भाई जी। ओहो ओहो ओहो, चुप हो जा बेटे। मुन्ने मुन्ने,
चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं अपने बेटे को लोरी सुनाऊंगा, झूला झुलाऊंगा। आहा, ओहो, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ओहो, तू हो, तुझे क्या चाहिए बता, तू सही मुझे। ओहो, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। ओहो मुन्ने, ओहो, तू तो बोल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? देवी माँ, ओहो, माँ माँ, ये मेरे गले में क्या मुसीबत डाल दी, अब तू ही बता मैं उसे कैसे चुप कराऊं? माँ मेरी मदद कर, तेरे कहने पर ही तो उसे यहां ले आया था। भवानी, दुर्गा मैया, माता दुर्गा मैया। ये गाय कहां से आ गई? ओ, तो तुझे दूध चाहिए था गंगा नाई। जय माता की, जय माता की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हरिओम 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 हरिओम। बनमानुष, बनमानुष, बचाओ बचाओ, बनमानुष बच्चे को उठा के ले गया, बचाओ बनमानुष। अरे ये तो पुजारी जी की आवाज है, बचाओ पुजारी जी। महाराज क्या हुआ, क्या हुआ महाराज? पुजारी जी बचाओ, घबराइए मत पुजारी जी। पुजारी जी ठहरिए, पुजारी जी झाड़ू बैठिए, झाड़ू। चेता पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बेटे झाड़ू, बनमानुष बनमानुष, बचाओ बचाओ बनमानुष। दिखाई तो कहीं नहीं देता, तो मेरे आगे था, पता नहीं किधर चला गया। हे भगवान, बेटे ध्यानु, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की हैं थालियां, बोल फूल पाती। रोम रोम जीबा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती।
लक्ष्य माँ गौरी, तुम अपनी आप है जौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें, तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने, हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पांव सारी दुनिया पखारती, सतवंती हे पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए, मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए, मुँह मांगी मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, शक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूर्णमासी, सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती, बिगड़ी सवारती। समय समय इसी धरती पर भक्तों ने जन्म लिए हैं तथा लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश देते रहे हैं। इसी तरह मैं समझता हूं कि ध्यानु भक्त ने भी जन्म लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि समय आने पर ये भी लोक कल्याण करेंगे। पुजारी जी, क्यों हमको बेवकूफ बनाते हैं? एक छोटे से बालक के लिए इतनी ऊंची ऊंची बातें करना आपको शोभा नहीं देता। मुझे जो चाहे सो कह लो, किंतु ध्यानु को साधारण बालक न समझो। उसे गौ माता आकर इस तरह दूध पिलाती है जिस तरह माँ अपने बालक को। पुजारी जी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कैसे करें जब तक आंखों से न देख लें? ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, उसके दूध पीने का समय हो गया है, स्वयं चलकर देख लो। आइए चलकर देख लेते हैं। चलो चलो। अब बताओ ये गाय किसकी है? ये गाय हमारे गांव की नहीं है पुजारी जी, हमने इसे कभी नहीं देखा। मैं बताऊं, ये गाय जोतावाली माता के गांव की है। माता जोतावाली की जय। ध्यानु भगत की जय। माता जोतावाली की जय। ओम नमः शिवाय। ओम माफ कीजिए, जरा जाने दीजिए। बारिश है भाई, बारिश है। हरिओम। जय माता की। जय माता की। भक्तजनों, पुजारी जी
हम ध्यानु भगत के दर्शन करने आए हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम बड़ी देर से खड़े हैं पुजारी जी, हम बहुत दूर से आए हैं। धीरज धरो भाई, धीरज धरो, मैं अभी ध्यानु को लेकर आता हूँ। ध्यानु बेटे। बाबा। ध्यानु बेटे, बाहर लोग आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हारे बाहर देख रहे हैं। बाबा मुझे ये रोज रोज आशीर्वाद देना नहीं अच्छा लगता, मुझे तो माता की सेवा करना अच्छा लगता है, या तो फिर अली मामा के खेतों में काम करना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन लोग बहुत दूर दूर से तुमसे आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं, और तुम्हारा तो जन्म ही मनुष्यों के कल्याण के लिए हुआ है। आचल बेटा, उनको निराश नहीं करना चाहिए। आचल बैठ बेटा। आओ भाई भक्तजनों, कर लो दर्शन, ले लो आशीष। बोल माई, जय माता की। जय माता की। बोल भगत, जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय ध्यानु भक्त की। बाबा मैं जा रहा हूँ अली मामों के खेतों में। बेटा बेटा, मन मौजी बालक है भक्तजनों, मन में आता है तो आशीष देता है, नहीं तो खेतों पर निकल जाता है। आप लोगों को दर्शन तो हो गए ना, अब आशीष लेने फिर कभी आ जाना। जय माता दी। ध्यानु बेटा, तुम किसान नहीं भक्त हो, भक्त, और खेतों में काम करना तो किसान का काम है। मामा किसान ही क्यों, दूसरे लोग खेतों में काम नहीं कर सकते? पहले तो सभी लोग बेटा खेतों ही में काम करते थे, फिर काम बढ़ गए, बांटने पड़े, जिसके हिस्से में जो काम आया उसको करना पड़ा। मामा मेरे हिस्से में सभी काम आए हैं, मैं खेतों में भी काम करूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो, तुम नहीं मानोगे। मामा देख ले, खेत के चारों कोने खोद कर तुमसे अच्छे बना दिए हैं। बूढ़ों का जवानों के साथ क्या मुकाबला, जब मैं तुम्हारी उम्र का था एक बीघा जमीन अकेले ही खोद लेता था। आजकल के जवान हमारे जमाने के जवानों का मुकाबला नहीं कर सकते। हर बूढ़ा आदमी ऐसे ही कहता है मामा, मेरा ख्याल है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ऐसे ही कहूंगा। कहोगे नहीं, सच्चाई होगी सच्चाई। सुना है आने वाले जमाने में लोग बांस से बैंगन तोड़ा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ मामा कि बैंगन का पौधा बेरी के पेड़ जितना बड़ा होगा। अच्छा भाई, तुम जीते मैं हारा, अब तुम्हारे साथ बहस कौन करे। मैं चलता हूँ। आप ही बताइए पुजारी जी, मेरा होने वाला जवाई गुंगा हो गया है, और उसके घर वाले पारों के ब्याह के लिए जल्दी मचा रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं, बड़ी उलझन में आ पड़ी हूं। ये तो सांप के मुंह में छछूदर जैसी उलझन है बहन। एक तरफ पारो बिटिया के जीवन का प्रश्न, और दूसरे सगाई करके ब्याह न करने पर जात बिरादरी के उंगली उठाने का प्रश्न। अगर ध्यानु सतीश को आशीष दे दे तो मुझे पूरा भरोसा है वो अच्छा हो जाएगा। लो भगत जी आ गए। ध्यानु बेटा, बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दो। छोटा सा क्यों चाची, क्या आप मुझे कमजोर समझती है कि मैं बड़ा काम नहीं कर सकता? नहीं बेटे नहीं, ये बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सतीश को आशीष दे दो ताकि उसकी आवाज वापस आ जाए। चाची सतीश को कहना वो भी लोगों के साथ आशीष लेने आ जाए। बेटे वो तो पहले भी कई बार यहाँ आया मगर उसे आशीष नहीं मिली। आशीष देना मेरे बस में नहीं चाची, मेरे हाथ तो माता कब किसके लिए उठवा देती है मैं नहीं जानता। जो करेगी माता करेगी, आप भी माता से प्रार्थना करें, जोता वाली आपकी इच्छा पूरी करेगी। मैं अभी सतीश को आशीष लेने वाले लोगों में खड़ा करती हूँ। आ, 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 आ। बेटे उन्होंने कहा है जो करेगी देवी माँ करेगी, तुम अच्छी तरह से आशीष लेना, ठीक हो जाओगे। चलो ध्यानु बेटा,
मेरे तीर्थ यात्रा की सब तैयारी हो चुकी है, मैं कल चल दूंगा। पर बाबा लौटोगे कब? बस ये मत पूछ बेटा, सारे तीर्थों की यात्रा करनी है, पता नहीं कितने साल लग जाए। पर बाबा कहीं ऐसा ना हो आपको ढूंढने के लिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी पड़े। जैसी माता की इच्छा। लो भक्तजनों कर लो दर्शन। बोल भगत जय माता की। जय माता की, जय माता की, जय ध्यानु भगत की। बोल भगत जय माता की। देख कर रहे हो, बोलो जय माता की। जय माता की, 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 बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। सुन कमला, सुन बिमला, सुन पारो नी गुंगा तोता, नी गुंगा तोता बोल पड़ा। कुछ तो बोल अब तू भी खोल इस दिल के पोल गोरिये। निगुंगा तोता बोल पड़ा, निगुंगा तोता बोल पड़ा। बदमाश, लुच्ची, शर्म नहीं आती तुम्हें चुप-चुप के लड़कियों को ताकते हुए? अच्छा जी, अब हम लफंगे, लुच्चे और गूंगे तोते हो गए हैं। आपका
विश्वास करो पारो, मैं लड़कियों को नहीं बल्कि अपने होने वाली धर्म पत्नी को देख रहा था। हाय मैं मर गई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ बातें तो तब करूं जब तुम करने दो। वहां तुम्हारा क्या खो गया जो वहीं देखी जा रही हो? जरा इधर भी तो देखो। हटिए ना, मेरी सहेलियों ने देखा तो क्या कहेंगे? सहेलियों ने क्या कहना, बेशरम कहेंगे। राम जाने मेरे दुखों का अंत कब होगा। बेटा गूंगा हो गया है और बेचारे की मां बहू घर में लाने से पहले ही चल बसी। पिताजी, सतीश। पिताजी, पिताजी। सतीश बेटा, तेरी आवाज आ गई। हाँ। तू बोलने लगा है। हाँ पिताजी, ध्यानु भगत के आशीर्वाद से मेरी आवाज लौट आई है। क्यों ना चाचा को ध्यानु भगत के पास ले चले, माता ने चाहा तो आशीष मिल जाएगी। पर आशीष उसी को मिलता है जो चलकर वहाँ तक जाता है। मैं जाके भगत जी को यही ले आता हूँ, मुझे विश्वास है वो मेरी बात टालेंगे नहीं। पर सतीश ये तो अनहोनी बात है, भगत जी आशीर्वाद देने किसी के घर नहीं जाते। मेरी होने वाली ससुराल वालों के साथ भगत जी के घर के से संबंध है, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मेरे आने तक पिताजी का ध्यान रखिए। ठीक है। खोलो। हाँ हाँ थोड़ा और खोलो, खोलो ना। बस पारो, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए दर्द बर्दाश्त करना अच्छा है पर जन्म भर के लिए आंग गवाना अच्छा नहीं। मैं तो निकाल कर ही छोड़ूंगी। ये हुई ना बात, देखो ये जहरीला कीड़ा, जो ना निकालती तो आंग ले बैठता। धन्यवाद। आहा, बैठो बैठो। चैन मिल गया। पारो तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता, उम्र भर तेरा ऋणी रहूंगा। भक्तों के मुंह से ऐसी निराशावादी बातें शोभा नहीं देती। भगत पत्थर के होते हैं? पत्थर के तो नहीं मगर साधारण लोगों से ऊंचे होते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ नाराज होगी, फिर मिलूंगी। अच्छा अच्छा। मैं क्षमा करना पिताजी, मैं कितना आभागे बेटा हूँ कि आखिरी समय आपके पास न रह के उस पाखंडी भक्त के पास चला गया पिताजी, आपकी उम्र की भीख मांगने के लिए पिताजी। पर पिताजी वो भक्त नहीं है, नीचे कमीना है पिताजी, मुझे क्षमा करना पिताजी। इसके साथ धनु भगत नहीं आए इसीलिए बुरा भला कह रहा है। जाने वाले का रास्ता कोई नहीं रोक सकता सतीश, किसी को भला बुरा कहने से तुम्हारे पिता लौट तो नहीं आएंगे। मुझे दुख इस बात का है वैद्य जी कि अंतिम समय अपने पिता के पास ना रह के उस पाखंडी भक्त के पास क्यों चला गया। अब पछतावा छोड़ बेटा, आओ क्रियाक्रम की तैयारी करें। माँ मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, बेबस हूं। पारो इसी योग्य नहीं रही किस घर की बहू बन सके, मुझे क्षमा कर देना। मिट्टी में मिल रही है,
बारो जैसी बदजलन लड़की और ध्यानु जैसे पाखंडी भक्त को सजा मिलनी चाहिए। पहले बारो से शादी कर, उसे तड़पा तड़पा के मार, फिर ध्यानु के पाखंड को लोगों के सामने ला। तेरे लिए इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं। आपने कहा था बकरे की बलि दो, हमने एक नहीं 11 बकरे चढ़ा दिए। आपने जो कुछ भी कहा बाबा, हमने सब कुछ किया, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी। अकाल और भी मुंह फाड़ रहा है। प्यारे भक्तों, शुभ काम में बाधाएं आ सकती हैं, देर भी हो सकती है, परंतु शुद्ध आत्मा की वाणी विफल नहीं हो सकती। मैं देखता हूं, श्री चरबली। भोले भक्तों, आत्मा के दर्पण में मैं खुल्लम खुल्ला देख रहा हूं कि सिद्धि के मार्ग में जादूगर ध्यानु रुकावट डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसके मुकाबले में कामयाब हो। पर ध्यानु तो कहता है कि माता की शक्ति महान है, उसकी इच्छा बलवान है, और जो वो चाहती है वही होता है। यही तो ध्यानु का जाल है बच्चों। उसे पकड़कर खेतों में ले जाओ, खाने पीने कुछ मत दो। जब भूख प्यास से वो मरने लगेगा, तब उसके जादू की माया भी मर जाएगी। उस समय मेरे तप का तेज आकाश पर पहुंचकर बरखा का रूप बनकर बरस उठेगा, बरस उठेगा। है तो ठीक, ध्यानु को पकड़कर खेतों में ले चलते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आओ चले। चलो 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 चलो। ध्यानु का बच्चा हमारे चढ़ावे में बाधा डालना चाहता है। आओ, चलो, चलो, चलो। अरे ठहरो, वही ठहरो। दर्शन करने का और आशीष लेने का कोई समय होता है? चलो, हट। आया बड़ा। भगत जी, चलो हमारे साथ खेतों में और वर्षा करवाओ। मेरे खेतों में जाने से वर्षा कैसे होगी? तुम माता से कहो वर्षा करवाए। कैसी बातें करते हो, माता मेरे बस में है जो मेरे कहने से वर्षा कराएगी? ये क्यों नहीं कहते कि तुम माता से कहना ही नहीं चाहते? सारा गांव अकाल के गाल में फंसा हुआ है और तुम अपनी टांग ऊपर रखने के लिए जादू का जाल बिछाए हुए हो। बेचारे बगीचे वाले बाबा के बताए हुए सभी उपायों पर तुमने पानी फेर दिया है। बगीचे वाला बाबा कौन? सनीचर बाबा। हाँ, सनीचर बाबा। चलो चलो चलो। सनीचर बाबा ने अच्छी तरकीब बताई। जब तक तुम वर्षा नहीं करवाते, तब तक यही भूखे प्यासे रहो, समझे? दुख सुख दाना तन के कपड़े किस कारण पहनाए, किस कारण पहनाए। तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए। वो चाहे तो प्यासा मारे, चाहे तो प्यास बुझाए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए। खातिर पगले तन का बिछा बिछोना, तेरे मन की खातिर पगले तन का बिछा बिछोना। जब तक चाबी भरी प्रभु ने, तब तक चले खिलौना। तैसा नाचे मांस की पुतली हो, पुत्र
मछली जैसा नाच नचाए, तुझे क्यों समझ ना आए, तुझे क्यों समझ ना आए। जल बिन मछली जी नहीं सकती, माँ बिन जिए न बच्चा। जल बिन मछली जी नहीं सकती, माँ बिन जिए न बच्चा। इंद्र उसका पानी भरता जिसका सिद्क है सच्चा। वो चाहे तो गागर में सागर को छलकाए, तुझे क्यों समझ ना आए, तुझे क्यों समझ ना आए। समझों को समझ नहीं कब आए कैसी घड़ियां। बेसमझों को समझ नहीं कब आए कैसी घड़ियां। जेठ महीने में लग सकती है सावन की झड़ियां। कौन समय आकाश और धरती हो, कौन समय आकाश और धरती अपना प्यार चाहे, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए। वो चाहे तो प्यासा मारे, चाहे तो प्यास बुझाए, तुझे क्यों समझ न आए, 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 तुझे क्यों समझ न आए। अरे भगत जी बस करो, मैं तो पानी में डूब रहा हूं। जय माता की। गोपाल बहादुर को कंधों पर उठा लो। अच्छा जी। जय माता की, जय माता की, जय माता। जय राम की जजमानी जी। जय राम जी की। बैठिए बैठिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? सतीश ने संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है मेरे बेटे ने? ब्याह इसी मास में हो जाना चाहिए। ब्याह की जल्दी तो मुझे भी है पंडित जी, पर तुम तो देख ही रहे हो खेती को अकाल चढ़ गया है, ऐसे में ब्याह का प्रबंध कैसे होगा? लोगों को जान बचाने की नहीं सूझ रही और सतीश को ब्याह कराने की सूझ रही है। भगत जी को ब्याह शादी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो सतीश का मित्र हूँ और पुरोहित भी। मेरा काम है दोनों घरों का संदेश लेना देना और कुशल मनाना। पर पंडित जी, मित्र के नाते समझाना और पुरोहित के नाते सुझाना भी तो तुम्हारा ही काम है। सतीश को संदेश देना कि आती फसल में ब्याह कर देंगे। जैसी आपकी इच्छा, मैं अपनी ओर से कोई कसर उठा नहीं रखूंगा, किंतु सतीश को आपका ये संदेश अच्छा नहीं लगेगा। हम लाचार हैं, वरना अपने बेटे का कहा कभी न टालते। अच्छी बात है, मैं सतीश को सब समझा दूंगा। सतीश की हर इच्छा बिना कारण नहीं होती मदन, अब विश्वास हुआ ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या बंधु, बरसात में पारों के साथ ध्यानु का भीगते हुए चलना, पारों को हथियाने के लिए माँ की हाँ में हाँ मिलाना, साफ साफ बताता है कि सारी चाल ध्यानु की है। वह खुलकर अपनी गोटी जमा रहा है। सतीश भी अपनी गोटी अच्छी तरह मारना जानता है मदन। गोटी जितनी जल्दी मारे उतना ही अच्छा है। ठीक है,
चल। ये पाखंड छोड़ और अपने असली रूप में आ। ये कौन? सतीश। अरे मूर्खो, तुम्हारी क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? जो ऐसे पाखंडी से आशीष मांगते हो, इसे तो बैलों के पीछे बांध के घसीटना चाहिए। अरे ऐसे बुरे शब्द क्यों बोल रहे हो? गंगाजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये नीच भक्त मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ऐसे ढोंगी भक्त मैंने बहुत देखे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा ये झूठा देवता कर रहा है। आज मैं इसकी भक्ति के पाखंड को खंड खंड कर दूंगा। अरे ये तो हद से बढ़ रहा है, पकड़ लो इसको। हेरो, इसको जाने दो, मूर्ख से क्या उलझना। अरे ओ भगत, कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरे और पारो के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुझे घोड़े के पीछे बांध के घसीट के मार दूंगा। अहंकारी, माता तुझे ऐसे मारेगी जैसे भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था। अबे ओ घन चक्कर, जानू की चापलूसी मत कर, ये अपने शिकारों में से तुझे कुछ नहीं खिलाने वाला। अरे दोस्त, भक्तों के सामने शिकार की बातें करता है। चुप है भांडो, मैं तो सिर पर लाठी खाएगा। हमें आशा है कि तुम्हारा भक्त हमारी सारी बात समझ गया होगा। चलो साथियों, चलो। क्या हाल है ली चाचा? ठीक हूँ जवान, आज घोड़े कहाँ दौड़ा रहे हो? ध्यानों से मिलके आ रहे हैं, उसके बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। हाँ, हमारे भगत का नाम सारी दुनिया में रोशन हो रहा है, और ये हमारे गांव की खुशनसीबी है जहाँ ऐसा भगत पैदा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसे भगत घर घर जन्म नहीं लेते, और जब लेते हैं तो चांद चढ़ जाता है। सुना है आपके भक्त को कुंवारी कन्याओं से सेवा करवाने का बहुत शौक है, पारों के साथ नूरा तो जाती होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तब समझोगे जब तुम्हारा भक्त कोई गुल खिलाएगा, समझे? चलो। गुल खिलाएगा? सारा गांव आश्चर्यचकित है बेटा कि तुम जैसे भगत का अपमान करके सतीश ने अपने कुल को कलंकित किया है। ऐसा मत कहिए चाची, एक ना समझ की गलतियां सारे कुल को कलंकित नहीं कर सकती। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ बेटा, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ। सतीश के प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं चाची। हाँ, उसकी बातों से प्रतीत होता है कि वो किसी गलतफहमी का शिकार हुआ है। ये तो भगत ही थे जो सबर कर गए और लोगों को मना किया, वरना सतीश की हड्डी पसली एक कर देते। कल रात उसे जगराते का न्योता था, मैं आज ही उसे संदेश भेज देती हूँ कि वो जगराते में ना आए। नहीं चाची, उसे जगराते में आने से मत रोकिए। अगर उसने फिर तुमसे ऊंची नीची बात की तो? मैं उसे समझा लूंगा, परंतु आने से ना रोकिए, ऐसा करने से उसे और क्रोध आएगा। ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। चिंता छोड़ो चाची, और जाकर जगराते की तैयारी करो। जय माता की। जय माता की। सतीश, ना जाने मेरा मन क्यों उछट रहा है, जागरण में तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। पंडित, मैं जागरण में भक्ति भक्ति के लिए नहीं जा रहा, बल्कि ध्यानु का भांडा फोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो साथी का साथ देना है, उसके गुण अवगुण नहीं देखने। अरे पंडित, तुझे मुझ में मेरे अवगुण के से और कुछ नहीं दिखाई देता। यार, मैंने तो यूं ही कहा था, अगर चलना ही है तो जल्दी कर, चल कर जागरण ही सुने। वाह वाह, ये तो वही बात हुई ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। तुम्हें तो अभी से गुस्सा आ रहा है, वहां पहुंच तो ले। चल पहुंचते, चल। बोल साचे दरबार की जय। मां जग तेरे चरणों में आयो, बोली मां जग तेरे चरणों में आयो।
बोली माँ। झुकायो भोली माँ, ओ जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। तेरा रोम रोम तेरा प्यासा भोली माँ, आँखों में है तेरा दर्शन, दिल में तेरा दिलासा। हाथ जोड़ कर विनती करते, हाथ जोड़ कर संभालिए लाटा मालिए। हाथ जोड़ कर विनती करते, भगतों के दुख ने मिटायो भोली माँ। भगतों के दुख ने मिटायो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। कदम पर दीप जला दे, छाए घोर अंधेरे। भटक गए जो पालक तेरे, भटक गए जो जो संभालिए लटवालिए। भटक गए जो पालक तेरे, दिखायो भोली माँ, उनको राह दिखायो भोली माँ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। सुर और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस चुन चुन मारे भोली माँ। सुंदर लोचन चुंड दुर्जन, नरकों में है उतारे। भैरों का सर काट के काली, भैरों का सर जो तमालिए तमालिए। भैरों का सर काट के काले, पाँव के नीचे दबायो भोली माँ। पाँव के नीचे दबायो भोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। Holy Mom।
से दिखा दे, बिगड़ी बना दे, दर से दिखा दे, बिगड़ी बना दे, भगतों ने शीश झुकाया बोली माँ, ओ जग तेरे चरणों में आयो बोली माँ। बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, मिलके बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, भक्तों बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, खुल के बोलो जय माता की, फिर से बोलो जय माता की। सतीश क्या हुआ, हम तो तुम्हारी ही राह देख रहे थे। मेरी राह देख रहे थे? मुझे यहाँ खड़े खड़े एक पहर बीत गया, किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। बेटे हमारा ध्यान जगराती में था, हमने तुम्हें देखा नहीं। आपने ये तो देखा ना कि मेरी होने वाली पत्नी दूसरे के साथ घुटने से घुटना मिलाकर गाती रही। सतीश इस पवित्र जगह पर ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता, और तुम्हें पराई औरतों के साथ सट के बैठना शोभा देता है। मुझे जगराता करने के लिए चाची ने बुलाया था और पारो ने भेंट बोलने के लिए जिद की थी, और तुमने उसकी बात मान ली और उसे अपने पास बिठा लिया। वाह भगत, तुम्हारे जैसे अवसर मिले तो हर संसारी भगत बनने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हारे होश ठिकाने पर है तो मेरा अपमान करने के लालच में अपने आप पर कीचड़ उछाल रहे हो। अपमान उसी का होता है जिसका कोई मान हो। तुमने मेरे मान को मिट्टी में मिला दिया। तुम देवी के भक्त हो ना, इसलिए औरत से तुम्हारा खास लगाव। सतीश, देवी माँ के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये लाल आंखें किसी और को दिखाना तुम्हारी भक्ति पाखंड है और तुम्हारी नियत खोटी है। तुम जैसे राक्षस के मुंह से ये भक्ति की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये लो मरा मुर्गा और खाओ जिसके तुम लायक हो। जय जगदम्बे, जय ज्वाला मां, जय माता की, जय माता की, ध्यानु भगत की, ध्यानु भगत की। पारो रो मत बेटी, मैं ये रीति रिवाज तोड़ दूंगी, ये रिश्ता ही तोड़ दूंगी। चाची लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज भले ही कुछ कहे किंतु मेरी बेटी पारो का पति सतीश जैसा नहीं होगा। नहीं माँ ऐसा मत कहो, मैं दुख सह लूंगी किंतु भारतीय नारी की मान मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। नहीं बच्ची। थू, 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 चुंड मुंड पर चुंड, चुंड मुंड पर चुंड, चुंड मुंड पर चुंड, पूर्व पाप का दंड, धर्मराज का खाता बंद। बाबा जी आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के ज्ञाता है, आप ही कोई उपाय बताइए ताकि मेरी बहू की गोद हरी हो जाए। बच्चा पाने के लिए किसी बच्चे ही की बलि देनी पड़ेगी। नहीं माँ जी, हमें ऐसा पाप करके बच्चा नहीं चाहिए। मैं ध्यानु भगत से आशीर्वाद लेके आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। ध्यानु भगत? अरे
उस पाखंडी के चक्कर में मत पड़ना, वरना सारी उम्र चक्री काटती रहोगी। वो बच्चे का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, हाँ बच्चे पैदा जरूर कर सकता है। पापा जी, क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो तेरी सास पर तरस आ रहा है कि इस बेचारी का खानदान खत्म हो रहा है। बोलो भाई, क्या इच्छा है? मैं पोते के लिए सब कुछ कर सकती हूँ बाबा। हाँ, कन्या की परी तेरे परिवार की लड़ी की कड़ी को जोड़ सकती है, वरना फिर खत्म है। मैं जरूर करूंगी बाबा, मैं जरूर करूंगी, मैं जरूर करूंगी। आओ। तुम्हारी अकल तो ठिकाने है माँ, किसी की मासूम बेटी की बलि देकर अपने घर को हरा भरा करना, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? ये पाप नहीं बेटा, प्रायश्चित है। जरूर हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, जिसकी वजह से हमारा वंश ही खत्म हो रहा है। माँ जी, आप कैसे कह सकती हैं कि वंश खत्म हो रहा है? हमारी विवाह को सिर्फ 2 ही वर्ष तो हुए हैं। पर उस साधु ने इनके मन में वहम जो भर दिया है। मैं कहता हूँ ऐसे पाखंडी साधु को लोग उस गांव में रहने क्यों देते हैं? ऐसा न कहो बेटा, लोग तो उसे पूछते हैं, वो तो इस युग का अवतार है, धर्मराज के वही खाते तो वो यहाँ बैठे बैठे पढ़ लेता है। हाँ, माँ जी आप तो सुनी सुनाई बातें करती हैं, लोग तो उसके यहाँ झांकते तक नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग उसके पास गए क्यों? धीरज रखो बेटा और ठंडे दिमाग से सोच के फिर बात करना, इस वक्त तुम्हारे सर गुस्सा सवार है। हाँ बेटा, ये ध्यानु भगत का घर कहाँ है? ध्यानु भगत का कौनो घर द्वार नहीं काका, वो तो माता के मंदिर में रहते हैं। ये मंदिर किधर है? सीधे चले जाओ, दाएं घूम जाना, मंदिर पहुंच जाओगे। अच्छा बेटा चलो। बेटा ये ध्यानु के मंदिर का रास्ता किधर है? बाबा इस गली में चले जाओ, आगे जाकर दाहिने देखना, मंदिर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सुखी रहो बेटा। जय माता की, जय मैया की, जय माता की, जय मैया की, दुखरनी सुखरनी माता। जय माता की, जय मैया की, 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 दुखरनी। जय हो, जय माता की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम आपकी शरण में आए भक्तरा, दया करो भगत जी, हमें आशीर्वाद दीजिए भगत, हमारा जनक सफल करो भगत। आप लोग भ्रम में हैं, जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं आपका जन्म सफल नहीं कर सकता। भगत के सिवा और कौन कर सकता है महाराज, हम बड़ी दूर से आंख लगा के आए हैं, हमें निराश न कीजिए भगत जी। ये तो मेरी समझ में आया कि आपको बुढ़ापे में सहारे की आवश्यकता है। बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है महाराज। इसका मतलब है आपके यहाँ अभी तक संतान नहीं हुई? कोई संतान नहीं महाराज, हमें बेटे का वरदान दीजिए। बेटे का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, हाँ बेटा बन सकता हूँ, मुझे गोद ले लो और उम्र भर के लिए गले में घंटी बांध लो। भगत जी ये मुझसे वरदान मांग रहे थे। बाबा ये मेरे गुरु ध्यानु भगत जी। ध्यानु भगत? हाँ जी। फिर तू कौन है? मैं इनका चेला माधो। परे हटे। भगत जी अच्छा बुद्धि बनाया, आपने कुएं पे क्यों नहीं बता दिया कि आप ही ध्यानु भगत है? बाबा जी आपने मंदिर के बारे में पूछा था, ध्यानु के बारे में पूछते तो अवश्य बता देता। ये तो सत्य है, हम बड़े विश्वास के साथ आपसे आशीष लेने आए। परंतु बाबा जी आशीष तो माता ही दे सकती है। आपकी आशीष से हमारे लोक परलोक दोनों उतर जाएंगे, हमें निराश न कीजिए भगत जी। मन साफ हो तो जोता वाली सबकी पुकार सुनती है बाबा जी। भगत जी हमें बातों में न डालो, माता रानी से हमें वरदान दिलवाओ और हमारी पुत्र की आशा पूरी करो। पर बाबा ये तो भगत जी के भी बस में नहीं है। चुप कर, सूरत अच्छी नहीं हो तो बात तो अच्छी कर, तू क्यों अपशकुन करने लगा है? जो भगत जी कहेंगे हम वही करेंगे। माई जोता वाली माता के आगे प्रार्थना करूंगा, तुम भी करो, माता बड़ी दयालु है। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता की। जय माता की, जय शेरा वाली की, जय जोता वाली की, जय माता की, जय जोता वाली, जय अम्बे की, जय शेरा वाली की, जय माता की, जय अम्बे की, जय जोता वाली। रघु चाचा आज तो बड़े भक्त बने हुए हो, पहले तो भगवान के नाम से दूर ही भागते थे। अरे बंसी भगवान है, भगवान की सौगंध भगवान है,
पर हम अंधों को दिखाई नहीं देता। अरे कुछ बताओगे भैया, शोरी मचाते रहोगे। अरे बंटी, ध्यानु भक्त के वरदान से और शेरों वाली की कृपा से आज रघु संतान वाला हो गया। आज मेरा वंश चल निकला। जय माता की, जय अम्बे की, जय माता की, जय अम्बे। धन्य शेरा वाली, तेरे रंग न्यारे। प्यार दे दे सासु मेरी मांगती है मुन्ना रे सजना तू मांगे है प्यार। फंस गई जान बेचारी करो क्या बोल मेरी सरकार। सासु मेरी मांगती है मुन्ना रे सजना तू मांगे है प्यार। सासु मेरी मांगती है मुन्ना रे मुन्ना रे मुन्ना। आजा मेरी बाहों में, पल के बिछाई मैंने देख तेरी राहों में। छोड़ मेरी माँ को तू, आजा मेरी बाहों में, पल के बिछाई मैंने देख तेरी राहों में। दोनों की मोहब्बत का रंग भरे चाहों में, डाल दे निगाहें गोरी मेरी तू निगाहों में। तू तो पे लगा है मेरे ताला, तू तो पे लगा है मेरे ताला, ते सजना पलकों के खुले है द्वार। आंखों के रास्ते से आजा रे दिल में चोरी चोरी मेरे दिलदार। सासु मेरी मांगते है मुन्ना रे मुन्ना ओए मुन्ना। आशिकों ने बाज नहीं आना, आशिकों ने बाज नहीं आना, के मिलने से रोके चाहे लाखों पहरेदार। रब सच्चे आशिकों का प्रेमी, हाँ सजनी यारों से मिलाए सदा यार। सासु मेरी मांगती है मुन्ना रे सजना तू मांगे है प्यार। ओए आशिकों ने बाज नहीं आना, के मिलने से रोके चाहे लाखों पहरेदार। सासु मेरी मांगती है मुन्ना रे सजना तू मांगे प्यार। आशिकों ने बाज नहीं आना, के मिलने से रोके चाहे लाखों पहरेदार। आ बेटी आ जा जल्दी आ जा। हाँ डर मत, मैं अपनी बेटी को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी। मेरी बेटी क्या खाएगी? मैं बर्फी खाऊंगी। बर्फी खाएगी? बेटी बर्फी तो इस वक्त है नहीं, मैं तुम्हें गुड़ खिलाऊंगी। मैं गुड़ नहीं खाऊंगी, शक्कर खाऊंगी। शक्कर खाएगी? अच्छा बेटी, शक्कर खाना, एक घी शक्कर खाना, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ मेरी रानी बेटी है ना, अच्छा ये यहाँ बैठना, ये यहाँ मैं अभी लेके आती हूँ, बैठना तू।
लो बेटा खा लो। हाँ खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। शनिचर बाबा, मुझे शक्ति दे ताकि मैं ये बलि आज चढ़ा सकूं। चाची बाहर को ना, मुझे मारेगा तो नहीं? नहीं, तुझे तो नहीं मारेगा, लेकिन लेकिन तू इधर आ, इधर आ। तू ऐसा कर, तू ना इस टोकरी के नीचे छुप जा, जल्दी से छुप जा। जब वो लोग अंदर चले जाएंगे ना, तब तू चुपके से बाहर भाग जाना। अच्छा हाँ माँ, माँ तू दरवाजा क्यों नहीं खोलती? आई। क्या बात है माँ जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नहीं नहीं तो मैं तो अच्छी बनी हूँ, तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ सुन दमो, मैं एक टोकरा चारा बैलों को डाल के आता हूँ, सुबह से भूखे होंगे। अच्छा हाँ, चारा तो मैंने डाल दिया। हाँ डाल दिया, डाल दिया। हाँ पर माँ चारा तो जो का त्यों ही पड़ा है। हाँ, वो तो मैं खेत से ताजे काट के ले आई थी। हाँ खिला दिए, खिला दिए। लेकिन ये टोकरा यहाँ क्यों पड़ा है, इसे तो मैं रख दूँ? नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, तू बहुत थक गया है मेरा राजा बेटा, तू जाके अंदर आराम कर, मैं खुद ही रख लूंगी। जा मेरा बेटा, जा जा ना बेटे। मैंने मेरी चोरी नहीं की, नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की, चाची ने मुझे घी शक्कर खिलाया। इस लड़की को टोकरी के नीचे क्यों छुपाया था? ये किसकी बेटी है माँ? ये तो हमारे पड़ोसी श्यामू चाचा की मुन्नी है। तू बोलती क्यों नहीं? तू माँ नहीं डायन है, डायन। दूसरों का घर उजाड़ कर अपना घर बसाना कहाँ की ममता है? हमने कितनी बार कहा है ऐसा घृणित काम करके हमें संतान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पर तू, तू ये आप क्या कर रहे? छोड़िए छोड़िए, काश कि तू मेरी मां ना होती। गलती तो इंसान से हो ही जाती है, आगे से माँ जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी। अब आप जाइए, इस बच्चे को उसके घर छोड़ाइए, जाइए। ध्यानु अभी तक नहीं आया, मैं उसे देख कर आता हूँ। अरे बता नूरा, ससुराल जाकर कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगी? अरे नूरा, ये पुरानी रीत कैसे तोड़ सकती है? आज तक तो यही होता आया है, कुमारियां अपनी सहेलियों को ब्याह होते ही भूल जाती हैं। नहीं नहीं पारू, अपनी सहेलियों को कभी नहीं भूलूंगी। भगत जी तो मंदिर से यही कह के निकले थे कि वो आपकी ही तरफ जा रहे हैं। जा रहे नहीं, आ रहे हैं। आ गए ध्यानू बेटा? हाँ मामा, कहाँ है हमारी लाडली बहन नूरा? आओ, वो तुम्हारी राह देख रही है, आओ। नूरा, लो तुम्हारा भैया आ गया। आदा। ले बहन, अपने सन्यासी भाई का छोटा सा उपहार। ये माता का प्रसाद है, सदा पास रखना, सुख शांति रहेगी। आहा, कितनी सुंदर ओढ़नी है, ओढ़ लो। अब डोली की रवानगी का वक्त हो गया है, चलो चले, आओ आओ जल्दी करो। सारे गांव की लाडली रानी बिटिया, मायका छोड़ के देखो ससुराल चली, आंसू खुशी के आज
बहाए बाबुल मोह ममता का तोड़ के जाल चली सारे गांव के लाडली रानी बिटिया करना माँ बाप की आँखों का नूर है ये प्यारे समझियो इसे कबूल करना तेरी जिए जोड़ी सदा सुख पाओ चमकते सदा रहे भाग सुभाग बिटिया जाति बार की यही आशीष ले जा तेरा जुग जुग जिए सुहाग बिटिया तेरा जुग जुग जिए सुहाग बिटिया तेरा जुग जुग जिए सुहाग बिटिया सरदार जो मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र है सरदार अगर आप ध्यानों से मेरी बेइज्जती का बदला ले देंगे मैं उम्र भर आपकी सेवा करूंगा तू चिंता मत कर इस इलाके में हमारा साम्राज्य है और हम किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे तेरी मंगेतर तेरे घर आएगी अवश्य आएगी अगर उस सन्यासी ने हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो हम उसे हरिद्वार पहुंचा देंगे ठीक है सरदार अब हम चलते हैं क्योंकि जो बारात आप लूटने वाले हैं उसमें कई लोग हमें जानते हैं पहचान लेंगे तुम लोग मुंह पर कपड़ा बांध लो कोई नहीं पहचानेगा और फिर हमारे जवानों के सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसकी है होशियार होशियार रुक जाओ अरे रुक जाओ भाई इतनी जल्दी कहां भागे जा रहे हो जरा डोली को तो आने दो अरे डोली की फिक्र मत करो डोली के साथ दूल्हा और उसके साथी जो हैं और फिर यहाँ कौन सा डाका पड़ रहा है चलो चल के जश्न मनाए अरे जल्दी करो बारात तो गांव भी पहुंचनी होगी इतनी जल्दी क्या है यार जहां इतने साल बीते वहां दो चार घड़ियां और सही ना चलो चलो अरे फिक्र नहीं करो जी हम लोग अभी पहुंचे ठहरो डोली नीचे रख दो जी 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 खड़क सिंह तुम बारातियों से नकदी ले लो मदन तुम लड़की के जेवर उतार लो अरे कुछ माल है भाई तुम तो पक्का दूल्हे मियां तुम्हारे पास अरे तुम्हारे पास तो है जियो राजा चल उतार गहने उतार जल्दी कर जल्दी जल्दी कर वो भी उतार
लाओ ये चुनरी, गहने बांध ले। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूँ छोड़। नहीं, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूँ छोड़। नहीं, 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 ये चुनरी मत लो। ये तोहफा तो ध्यानु भगत ने मुझे हमेशा अपने पास रखने के लिए दिया है। हाँ, ध्यानु की भेंट बनता है भगत और उपहार देता है लड़कियों को। उस पाखंडी के बाल भी निकालने ही पड़ेंगे। सरदार, वो तो लड़कियों का रसिया है रसिया। रहने तो बेचारी के पास उसकी निशानी। यार, जब हम भगत को ही नहीं रहने देंगे तो ये उसकी निशानी को क्या करेगी? या अल्लाह, देवी के भक्त पर ऐसे नीच लोगों की तोहमतें। तो बुला ले फिर अपने उस भगत यार को, हमें भी उससे थोड़ा सा काम है। देवी माँ। ठहरो दोस्तों, ध्यान वो आ गया। लो, सन्यासी आ गए हमारे साथ लड़ने के लिए। आइए आइए महाशय जी, हम आपका स्वागत करते हैं। सरदार, ये तो तीनों ध्यानु है। अरे अच्छा हुआ, तेरा काम भी लगे हाथों हो जाएगा। शेरू जी, इन्हें खत्म कर दो। अच्छा जी, चलो। इधर इधर इधर, प्रारिये प्रारिये। जोर लगा। अरे तुम यहां खड़े तमाशे देख रहे हो, आगे क्यों बढ़ते? अरे मान कब तो, मैं तुम्हारा सरदार। सरदार बनता है आवाज बदल के, अभी बनाते तो ये बात। खड़ग सिंह इधर आओ, इन सालों ने तो मुझे मारना शुरू कर दिया। पकड़ लेते खड़ग सिंह। अपने सरदार को मारते हो? मतलब लगता है ये जादूगर इन लोगों के काबू नहीं आएगा।
इसे तो कोई जंतर मंत्र वाला है काबू करेगा। चलो हम किसके चले। चलो अरे मार डालेंगे। अरे अरे मूर्खो, अरे भगत सिंह, एक एक को चुन चुन के मार डालूंगा। अरे बच्चा, अरे मूर्खो आपको पीछे छोड़ो। आज नहीं छोड़ेगा। कड़किया, ओ मैं तुम्हारा सरदार, सरदार तुम्हारा सरदार पड़ा है। बचाओ मुझे, बचाओ। डाली टूट गई, डाली गई, डाली टूट गई। साथियों, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। ज्वाला मैया के भगत को दुख देने की सजा मुझे मिल गई। तुम लोग भगत से अपनी भूल बख्शा लेना। मां मुझे क्षमा कर दो। मां भगत जी हमें क्षमा कर दो। जान बचाओ और भागो यहां से। अरे भागो, 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 भागो। सुनक्षर बनी, ध्यानों की मौत के लिए इस नाक की एक फूंक ही काफी है। बाबा हो गया वक्त ध्यानों के आने का, बस तुम तैयार हो जाओ। लो वो आ गया। लड़को तुम चिंता ना करो, ध्यानों का जादू इस भूतनाथ पर नहीं चलेगा। तो फिर बढ़ो आगे। ओए हम उस तरफ जाके छुपते हैं। चल चलो। जय माता की बंधु, धरती पर मरमरा विचरने वाले इस जीव को क्यों पकड़ रखा है? भगत जी मेरा ये नाक बहुत दिनों से भूखा है, बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिला। तो फिर इसे दूध पिला देना चाहिए। मूर्ख, इसे दूध की नहीं प्राण की भूख है, और आज ये तुम्हारे ही प्राणों से अपनी भूख मिटाएगा। जय माता की। शनिश्चर बलि। जय माता की। शनिश्चर बलि, नाग देवता ने मेरा गला दबा लिया है। शनिश्चर देवता मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मेरा गला घुट गया, गला घुट गया, मैं मर गया। शनिश्चर बलि अब तू कहाँ चला गया है? मैं तो अपने ही खुद वो गड्ढे में गिर गया हूँ। शनिश्चर बलि मैंने जीवन भर तेरी तपस्या की है। जय माता की। अभी तक श्यामू चाचा की बेटी नहीं आई, आ जाती तो ध्यानु भगत के आने से पहले कंजकों को खाना खिला देते। मैं अभी जाके ले आता हूँ। जो कुछ भी तेरे मन में है कर ले, लेकिन सूखे पेड़ों में फल नहीं लगा करते। माँ तुमने भी दमों के नाक में दम कर रखा है। जिस दिन से बेचारी इस घर में आई है खुशी का एक दिन भी नहीं देखा। तो बहू ने भी कौन से इस घर में चार चांद लगा दिए है जो मैं इसकी वाह वाह करती फिरूं। मुनी तू आ गई, चल 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 चल।
अरे मुन्नी तू फिर सो गई, चल जल्दी कर, दमो के घर नहीं जाना है क्या, चल जल्दी उठ, देर हो रही है, चल मेरी बेटी चल। ध्यानु भगत अभी तक नहीं आए, तुम्हारा व्रत तो उन्हें भी खोलना था ना। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी। ए मुन्नी, ओए ए ओए मुन्नी, इसने ये क्या किया? ये मरीज सोती पड़ी रह गई, इसलिए देर हो गई। आप लोगों को अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी? ये सोती रह गई? हाँ सोती रही। तो फिर वो कौन थी? ज्योता वाली माता के सिवा और कौन हो सकता है। जय माता की। जय माता की। भगत जी, मुन्नी मुझे ये आम का फल दे गई। दम्मो, ये आम का फल माता ने तुम्हें पुत्र के रूप के वरदान में दिया है, अर्थात माता की कृपा से पुत्र होगा। जय माता। भगत जी, आपने तो मेरे घर में चार चांद लगा दिए हैं। मौसी जी, पैर मेरे नहीं जोता वाली के पड़ो। जय माता की, जय शेरावाली की, जय माता की, जय शेरावाली की, जय जोता वाली की, जय जोता वाली। अरे छोड़ यार, इतनी भी उदासी क्यों? यार हमने ध्यानु को मारने के लिए सब कुछ करके देख लिया, अब बस एक ही दवा बाकी है। वो कौन सा? जाते हो को मारना तो हमारे बस की बात नहीं है, उसे सोते हो को मार दे। और जब ओखली में सर दे ही दिया तो डर काहे का, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर हो जाए, जो आपको हो जाए। पक्का? पक्का। ये हुई ना दोस्ती। माधो। गुरुदेव, यह कैसा शोर था गुरुदेव, यह कैसी घटना गुरुदेव? माधो, इसे उठाकर चाची राम रखे घर ले चलो। अच्छा जी। सतमंती है पसमंती रसमंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, तेरा मंदिर मैया आरती, ओ जो का
ध्यानु बेटे, सतीश को होश आ गया है। जय माता की। जय माता की। चाची, ये प्रसाद सतीश को खिला दो। जय माता की। ये लो बेटे, देवी माता का प्रसाद खा लो। माँ जी, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? तुम अपने ही घर में हो बेटे, तुम बेहोश हो गए थे, माधव उठाकर यहाँ ले आया। माँ जी, मुझ पे उपकार कर दो, मुझे मेरे गांव पहुँचा दो। पर बेटे, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। देखिए माँ जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। ठीक है, मैं बंदोबस्त कर देती हूँ। भगत जी, आपने हम पर दूसरी बार उपकार किया है, ये उनका दूसरा जन्म है। पहले आवाज दी और अब नया जीवन। भोली बहन, तुमने भी तो ध्यानु को आंख की रोशनी दी थी। अगर एकादशी वाले दिन मेरी आंख से उस जहरीले कीड़े को निकालकर उनके नाम आती तो मेरी आंख की रोशनी ही चली गई होती। मैंने कहा था जीवन में तुम्हारे लिए कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार रहूंगा। वैसे भी भाई बहनों के लिए कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें क्या शक है, जब ससुराल जाओगी तब भाई की आवश्यकता ज्यादा महसूस होगी। लेकिन भैया, दुख तो इस बात का है कि वो आपकी जान के दुश्मन है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि सतीश मुझे मारना क्यों चाहता है। सुना है आप उसके पिता को आशीष देने नहीं गए, वो आपकी मिन्नतें करता रहा और पीछे से उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। ये झूठ है, इसके लिए सतीश मेरे पास कभी नहीं आया। तब नहीं आया था, लेकिन आज आया हूँ भगत जी। मैं पापी हूँ, घोर पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भगत जी, मुझे क्षमा कर दो भगत जी, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो भगत जी, मुझे। क्यों मेरे सर पर बोझ डाल रहे हो सतीश? झुकना तो लड़की वालों को पड़ता है। उठो और गले मिलो। हाँ। देख क्या रहे हो, उठो आओ। हाँ। 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 सतीश। धनु भगत की जय। लाटा वाली माता की जय। शेरा वाली माता की जय। धनु भगत की जय। शेरा वाली माता की जय। लाटा वाली माता की जय। मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी, करे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? मैंने सबक याद कर लिया मुंशी जी। इतनी जल्दी तुमको सबक याद करने को किसने कहा था? पर जल्दी कहा है मुंशी जी, आप तो बहुत देर के सो रहे हैं। अच्छा, मुझे पढ़ाने के लिए आया है, मुझे पढ़ाने के लिए आया है। मैं सोने के लिए आया हूँ या पढ़ाने के लिए आया हूँ? जा, ताकि सब जाकर जा, जा। मुंशी जी, सबक तो मैंने याद कर लिया है। अरे तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? जा, ताकि सब जाकर जा, जा। अरे अरे अरे, इधर आ, इधर आ। ये क्या खा रहा है तू? मूंगफली है मुंशी जी। ये कहाँ से ली है? और निकालो, कहाँ छुपा रखी है? निकालो, अरे निकालो। टोपी में मूंगफलियां छुपाते हो, तुम्हें मार मार के सीधा कर दूंगा। आगे से कभी जमात में मूंगफलियां लाए तो जाओ, जाकर बैठो, जाओ जाओ। हाँ भी कुतबू, ये बदला के दीने लाई का क्या मतलब होता है? मुंशी जी, दीने लाई का मतलब है खुदा का मजहब। गलत। हाँ मैं धर्म हूँ, तुम बतलाओ कि दीने लाई का क्या मतलब होता है? मुंशी जी, दीने लाई हमारे शहंशाह अकबर का मजहब है। तुम भी गलत, बैठ जा। हाँ बशी, तुम बतला सकते हो कि दीने लाई का क्या मतलब होता है? मुंशी जी, दीने लाई उसका धर्म है जो कि अपने बादशाह को चार चीजों से बड़ा समझे। कौन सी है वो चार चीजें? अपनी जायदाद, धर्म, इज्जत और जिंदगी। शाबाश, बैठ जा बेटे, ये हैं चार चीजें।
जो इंसान अपने आप बगैर किसी के कहे ये चार चीजें बादशाह के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है वही सच्चा दीन इलाही कहलाता है। इसलिए बच्चों हम सब का फर्ज है कि हम सब बादशाह के मुताबिक कहाँ भागे जा रहे हो पेड़ा गर्क, ये बच्चों को पढ़ाई से तमाशा ज्यादा प्यारा है, ये गला फाड़ फाड़ कर कौन चिल्ला रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं। क्या जमाना आ गया, ये पागल लोग ना दीने लाई सीखेंगे ना सीखने देंगे, इस पाखंड को खत्म करना ही पड़ेगा। बादशाह सलामत को खबर करता हूँ। जहाँ पना रुल्दू झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कोई अशरफियां नहीं दी, इसके पास तो हज पर जाने के लिए भी कुछ नहीं था, फिर 1000 अशरफियां इसके पास कहां से आई? रुल्दू, तुमने गनी को अशरफियां दी थी, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई चश्मदीद गवाह है या कोई पर्चा? हजूर, गवाह तो वहां कोई नहीं था और ना ही मेरे पास कोई सबूत है। बीरबल, इस मुकदमे का फैसला तुम करो। जो हुक्म आली जा। रुल्दू जी, जब तुमने गनी को 1000 अशरफियां दी थी, वहां कोई ना कोई तो होगा, पशु पक्षी दरख्त, अच्छी तरह याद करो। हजूर, वहां पशु पक्षी कोई नहीं था, मैंने इसे ये अशरफियां एक आम के दरख्त के नीचे दी थी। बस मिल गया गवाह, जाओ उस आम के दरख्त से कहो कि यहाँ आकर गवाही दे। पर हजूर, आम का दरख्त यहाँ आएगा कैसे? अदालत से बहस नहीं करते, आम के दरख्त से कहो कि तुझे बीरबल ने दरबार में बुलाया है। पर हजूर, जाकर उसे मेरा पैगाम दो और जो वो जवाब दे उसे फौरन लेकर यहाँ आओ, भाग कर जाओ और भाग कर आओ, जाओ। हाँ, हाँ, रुल्दू ने बड़ी देर लगा दी, उसके लिए दरबार की सारी कार्रवाई रुकी हुई है। हुजूर, आप दरबार की कार्रवाई जारी रखिए, रुल्दू इतनी जल्दी नहीं आ सकता। क्यों, क्यों नहीं आ सकता? हुजूर, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दूर है जी। आलम पना, गनी को हुक्म दिया जाए कि रुल्दू की 1000 अशरफियां उसको वापस कर दे और दरबार में झूठ बोलने की इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हुजूर भाई बाप, मैंने अशरफियां नहीं ली और ना ही कोई गवाह। कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं कि जिनके फैसले सच्चाई की बुनियाद पर बगैर गवाहों के करने पड़ते हैं। अगर तुमने रुल्दू से अशरफियां नहीं ली तो तुम्हें कैसे पता है कि आम का दरख्त यहाँ से बड़ी दूर है? बीरबल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर झूठ बोला था, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। गनी की ये सजा है कि इससे रुल्दू को 2000 अशरफियां दिलवाई जाए। सिपाहियों, ले जाओ इस झूठे को। हुजूर मैं बाप, मैं गरीब आदमी, 1000 अशरफियां ज्यादा कहां से दूंगा? एक तो लेकर मुकर गए। पूरी 1000 अशरफियां आप रोते हैं, चल बता। हुजूर, मुझे बख्श दीजिए, मैं गरीब आदमी मारा जाऊंगा। मुझे ओहो, शहनशाह हिंद जिले इलाही जहां पना, मैं मुल्लापुर गांव के सरकारी मदरसे का मुंशी हूं और आपके पास फरियाद लेकर आया हूं। बयान हो। जहां पना, जान की सलामती चाहता हूं, दीने लाही की तरक्की चाहता हूं। बस यही फरियाद है? नहीं नहीं आलीजा, जैसे जैसे मैं बच्चों को दीने लाही की तालीम देता हूँ, वैसे वैसे धनु भगत एक बुत प्रस्त इंसान माता ज्योतावाली का प्रचार करके उनको बिगाड़ रहा है। ये धनु भगत कौन है? पहले भी मैं बदलते हैं, इसका नाम सुना है। आलम पना, लोगों में इस भक्त की बड़ी श्रद्धा। जिल्ले इलाही, ये तो दीने इलाही के रास्ते में रुकावट है, इसको हटाए बगैर हमारी मेहनत बेकार है। हजूर,
मुंशी जी, लगता है आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक गए। नहीं नहीं अजूरे वाला, ये बात नहीं है। मैं तो जौ की तरह हूँ, जो एक बार चिपक गई सो चिपक गई। तो फिर फरियाद क्यों? वो इसलिए आली जा कि अगर ध्यानु जैसे मशहूर इंसान को पकड़ कर दीने लायक कबूल करवा लिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मुंशी, मुगलिया दरबार के उसूलों को तोड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दीन इलाही किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, किसी भी मजहब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गुस्ताखी माफ जहापना, क्यों ना ध्यानु को बुलाकर समझाया जाए, हो सकता है वो खुशी से दीन इलाही कबूल कर ले। इस बात की इजाजत है, ध्यानु भगत को बाद अब बुलाया जाए। जो हो जग तेरे चरणों में आयो बोली माँ, जग तेरे चरणों में आयो बोली माँ। फौजदार जी, वो रहा ध्यानु भगत जिसके हाथ में त्रिशूल है। ध्यानु भगत रुक जाओ, हम शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फरमान लेकर आए हैं। फौजदार, क्या फरमाते हैं शहंशाह? आपको इसी वक्त दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है। हम सभी यात्री तो दरबार में ही जा रहे हैं, उस जोता वाली माता के दरबार में। उससे पहले आपको बादशाह के दरबार में चलना होगा। यह नहीं हो सकता, बादशाह हमारी यात्रा में विघ्न नहीं डाल सकते। तुम लोग यात्रा पे जाओ, ध्यानु हमारे साथ जाएंगे। हम भगत जी से अलग होकर यात्रा पे नहीं जाएंगे। फिर तुम यही इंतजार करो, जब ध्यानु बादशाह को मिलकर वापस आ जाए तब यात्रा पे चले जाना। तुम लोगों की ये मजाल, बादशाह के फरमान की हुक्म अदूली करते हो। सबको काल कोठरी में बंद कर दूंगा। हौदार जी, क्रोध में आने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सभी जानते हैं कि इनके बादशाह बड़े दयालु हैं, वो प्रजा पर सख्ती करने का हुक्म नहीं दे सकते। ओ बुतप्रस्त इंसान, सीधी तरह हमारे साथ चलो, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फौजदार जी, आप जबरदस्ती करके तो देखो। सतीश, तुम सभी माता के दरबार में पहुंचो, मैं बादशाह के दरबार से होकर माता के पास पहुंचूंगा। लेकिन भगत जी, ये तो सरासर ज्यादती है। नहीं सतीश, उस सांचे दरबार में तो हमारी भूलें माफ कर दी जाएंगी, किंतु ये झूठे दरबार में निर्दोषियों को भी सजाएं मिलती हैं, क्योंकि ये दरबार हमेशा रहने वाला नहीं, इसलिए अपना डेरा कूच करने से पहले सारे काम कर लेने चाहता है। जय माता की। जय माता की। चलिए फौजदार जी, चलो। ध्यानु भगत, मां बदौलत ने सुना है कि इलाके में तुम्हारी बहुत चर्चा है, लोग तुम्हें पैगंबर मानते हैं। ये तो माता की कृपा है, शहनशाह को इसमें मेरा कोई दोष दिखाई दे रहा है। मां बदौलत ने तुम्हें दोषी समझ के नहीं, खैरखा समझ के बुलाया है। गुस्ताखी माफ हो जहापना, इस बुतप्रस्त ने जो शाही दरबार के खिलाफ अल्फाज कहे हैं, अगर हुक्म हो तो बयां करूं। नहीं फौजदार, भगत की शान के खिलाफ मां बदौलत कुछ सुनना नहीं चाहते। शहनशाह हिंद, फौजदार जो कहना चाहता है मैं स्वयं कह देता हूं, अगर इसमें मेरा कोई दोष है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं माता जोता वाली के दरबार को सच्चा दरबार मानता हूं, जो कि सदा रहने वाला है, और शाही दरबार को झूठा दरबार कहता हूं, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं। ध्यानु भगत,
माँ बदौलत ने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम दीन इलाही में शामिल होकर शहनशाह की मदद करो। मैं आपका मतलब नहीं समझा शहनशाह। माँ बदौलत चाहते हैं कि हमारी रियाया फिरका परस्ती और अलग अलग धर्मों को छोड़कर दीन इलाही कबूल करे, पर इसके लिए हम कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। शहनशाह हिंद, रिया के भले के लिए सोचना आपका काम है, परंतु ये भी तो सोचिए कि आपके भले के लिए सोचना किसका काम है। मैं उसका भक्त हूं जिसका काम सारे संसार के लिए सोचना है। चलो मेरे साथ और उनके दर्शन करके अपना जन्म सफल कर लो शहनशाह। माँ बदौलत का ख्याल था कि ध्यानु भगत भगत कबीर की तरह होगा, भगत नामदेव की तरह होगा, पर ध्यानु तो घमंडी है, इसका घमंड तोड़ना होगा, इसके घोड़े का सर कलम कर दिया जाए। अगर इसकी माता में शक्ति है तो ये मुर्दा घोड़े को जिंदा करे। दरबार झुके सारा संसार, माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार, मेरी सुन ले पुकार। जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार, मेरी सुन ले पुकार। जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए। बवर में घिर गई नैया, घिर गई नैया, तुझ बिन मेरा कौन खिवैया, कौन खिवैया। तूफान उठा है माँ, तूफान उठा है लहरों में, तू कर दे ले पुकार। जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए। तुम चाहो तो टूटे जोड़ो मुर्दे में जा, वापस मोड़ो अपने नाम की माँ, अपने नाम की लाज बचा लो, भक्त न जाए ले पुकार। जोता वालिए ओ लाटा वालिए, माँ जोता वालिए ओ लाटा वालिए। हे जगदम्बे
हे महामाया, हे महामाया, सर के बल में चल के आया, चल के आया, आज न तेरे मां, आज न तेरे तरस हुए तो दूंगा शीश उतार मां, सुन ले पुकार जोतां वालिए लाटां वालिए मां, जोतां वालिए लाटां वालिए मां, तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी, सुन ले पुकार जोतां वालिए लाटां वालिए मां, जोतां वालिए लाटां वालिए मां, जोतां वालिए लाटां वालिए मां, जोतां वालिए लाटां वालिए, तेरे दर्शन बिन मर जाऊंगा दर्शन दे दे मां, मैं अपने लहू तर जाऊंगा दर्शन दे दे मां, सरकार यही धर जाऊंगा दर्शन दे दे मां, दर्शन दे दे मां, दर्शन दे दे मां, दर्शन दे दे मां। कटा हुआ नख नहीं जुड़ता, फिर ये शीश अपने आप कैसे जुड़ गया? ये तो कोई चमत्कार लगता है। ऐसा चमत्कार माता के सिवाय और कौन कर सकता है? चमत्कार नहीं, ये तो भक्ति में शक्ति का साक्षात प्रमाण है। माता की महिमा माता ही जाने। माँ, तूने मेरी विनती सुन ली, मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया, धन्य हो गया। उठो ध्यानु। माँ, अकबर बादशाह ने मेरे घोड़े को मरवा दिया है, वो घमंडी है, अत्याचारी है। माँ, वो तेरे भक्त की नहीं, तेरी परीक्षा लेना चाहता है। ध्यानु, परीक्षक तो समय है, मनुष्य केवल परीक्षार्थी है। अच्छे लोगों का धर्म है सत्कर्म करते चलना, किसी से वैर विरोध न करना। पर माँ, मेरा घोड़ा? घोड़ा जीवित है। मेरा भाला लाओ। अरे घोड़ा जिंदा हो गया। खुशबू मारे गए। आलम पला ने कहा था कि जैसे ही घोड़ा जिंदा हो मुझे फौरन सुला देना। और सो बेटा और सो, मैं न कहता था बारी बारी से सो लेते हैं। अरे खुशबू, जो अनहोनी बात होनी थी वो हो गई, अब ये सोचो कि अपनी जान कैसे बचाएंगे। जान? अरे झूठ बोल देंगे, कह देंगे हमारे सामने जिंदा हुआ है। वाह खुशबू वाह, ये हुई ना बात। पर यार खुशबू, अगर उन्होंने पूछा कि घोड़ा जिंदा कैसे हो गया, पहले सर उठा था या धड़, फिर हम क्या जवाब देंगे? अरे कह देंगे दोनों एक ही साथ उठे थे। उल्लू कहीं का, अबे कटा हुआ सर कैसे उठ सकता है? अरे जिस तरह कटा हुआ धड़ उठ सकता है। सुन, तू एक काम करना, तू कह देना मैं सोया हुआ था, खुशबू ने सब कुछ देखा है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है? बिल्कुल ठीक। आ जा। अबे तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, तू मेरा पता कटवाना चाहता है, मैं यहाँ पहरा देने आया था या सोने? अरे वो तो ठीक है, चल छोड़, हम फौजदार से कुछ ना कुछ कह देंगे, आगे वो संभाल लेगा, ये तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। आजा आजा आजा। फौजदार जी दरवाजा खोलिए, फौजदार जी देर कीजिए, फौजदार जी जल्दी कीजिए, फौजदार जी। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? फौजदार जी, ध्यानु का घोड़ा जिंदा हो गया। इतना ही नींद आता है, सोने भी नहीं देता। क्या पक रहे हो?
जाग रहे हो कि ख्वाब देख रहे हो? ये तो नहीं पता कि हम जाग रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं, पर बूढ़ा हिनहिनाता बहुत है। हिनहिनाता बहुत है, हिनहिना रहा है। पहले ये बताओ, घोड़ा मरा हुआ था, सारा लाग था, सारा लाग था, फिर वो खड़ा कैसे हो गया? बच्चे जी, खड़ा ऐसे हो गया, खड़ा ऐसे हो गया जैसे। और कुतुबू, तुम बताओ कैसे खड़ा हो गया था? हजूर, कैसे खड़ा हुआ था, कैसे खड़ा हुआ था, हो गया खड़ा जैसे खड़ा होता है, जैसे खड़ा होता है। बेवकूफो, तुम लोग बयान भी नहीं कर सकते। घोड़े का सर और धड़ अलग अलग थे, वो जिंदा कैसे हो गया, खड़ा कैसे हो गया? हजूर, खड़ा तो वैसे हुआ था जिस तरह मैं बयान कर चुका हूँ, अब वो जिंदा कैसे हुआ था ये आपको फजलू बताएगा। मैं तो सो रहा था हजूर, घोड़ा ही हिलाया तो मेरी नींद खुली, ये जाग रहा था, इसने सब कुछ देखा है, इसे पूछे हजूर। तू तो लुढ़का हुआ था, तू तो जाग रहा था, तू बता क्या देखा? हजूर, मैंने देखा इधर धड़ पड़ा है, इधर सर पड़ा है, और फिर हजूर हम आपको उसका नमूना खींच के दिखा देते हैं। आओ फजलू, अबे मरवा मत देना, तू वहां जाके घोड़े का सर बन जा। हजूर, ये हो गया घोड़े का सर, अच्छा मैं हो गया घोड़े का धड़। अच्छा फजलू तैयार, ये चला धड़। हजूर, आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए ना, हम दोनों के लिए समझाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल है। अब घोड़ा जिंदा हो गया है, खड़ा हो गया है, अब वो किस तरह हुआ है इस बात पे खाक डालिए। अरे वो तो खाक डाल देंगे, मगर जो मेरे सिर पे खाक पड़ेगी उसको कौन संभालेगा? ये जादूगर का बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। फौजदार, मुझे डर लग रहा है कहीं जापना मेरे खिलाफ ना हो जाए। फौजदार के होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बेवकूफो घोड़े के पास जाओ। उसको फिर काटना है क्या? जल्लाद इस वक्त घोड़े बेच के सोए होंगे, वो नहीं आएंगे। बकवास बंद करो, जब तक हम तैयार होकर नहीं आ जाते यही खड़े रहो। जो हुकुम हुजूर। मेहदी, चलो तैयार होकर जहां अपना के पास चले। नहीं नहीं, मेरा अब जाना ठीक नहीं, तुम खुद ही संभाल लेना, मैं तो अब गांव जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगा। अच्छा। आओ। इस चमत्कार ने मां बदौलत के इरादे को पस्त करके ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई ध्यानु भगत की ज्योता वाली माता में शक्ति है। जहां अपना जान की सलामती चाहता हूं, शहनशाह ने ही इस जादूगरी को मान लिया तो दीन इलाही की तरक्की नामुमकिन है। फौजदार, सच्चाई को छुटलाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। जहां अपना सुना है माता के मंदिर में कोई ज्योतें जलती रहती हैं और सारी जादूगरी उन ज्योतों की है, अगर वो ज्योतें बुझा दी जाएं तो चमत्कार हो ही नहीं सकते। फौजदार, तुम जिसे जादूगरी कहते हो मां बदौलत उसे खुदाई ताकत मानते हैं, और याद रहे जादूगरी और खुदाई ताकत में उतना ही फर्क है जितना रात और दिन में। जहां अपना हमें अपना शक दूर करने की इजाजत दी जाए, अगर ज्योते बुझने के बाद भी ध्यानु की माता का चमत्कार चलता रहा तो हम अपनी हार मान लेंगे। इस मसले पर किसी को कुछ कहना है? ठीक है फौजदार, तुम अपना शक मिटा लो, पर ध्यान रहे मंदिर में पहुंचकर मंदिर के उसूलों का ख्याल रखा जाए, पाक जगह की बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म हुजूर। जय माता की। मां, हमें जाने की आज्ञा दो और आशीर्वाद दो कि अगले साल फिर आकर दर्शन करें। अगले साल तुम्हें यहां आने की नौबत ही नहीं आएगी। कौन फौजदार, तुम मेरा घोड़ा लेकर आए हो? तुझे कैसे पता चला कि तेरा घोड़ा जिंदा हो गया है? मेरे मन ने ऐसा ही समझा, वरना फौजदार मंदिर में आता ही क्यों? हम ये पखंड हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं। सिपाहियों, बुझा दो ज्योतें। फौजदार जी, ज्योतों को बुझाने के लिए तवों की जरूरत नहीं, वो तो हम फूंकों से बुझा देंगे। ठहरो, पहले अपने जूते उतारो फिर मंदिर में आओ। अरे नीचे उतर। बेवकूफो,
बातें करने आए हो या काम करने? जूते उतारो और अंदर जाकर जोते बजाओ, जल्दी करो। जी, जल्दी, 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 जल्दी करो, जल्दी, और जल्दी करो, जल्दी, और जल्दी, 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 जोते। उधर रखो, उधर रखो, उधर रखो। पूछ गई जोते। बिल्ली पूछी बेवकूफ। अरे पजलू, इकट्ठी फूके मारनी पड़ेंगी। खुतबू बोल पजलू। ये नहीं पूछते पजलू, फौजदार ठीक ही कहता था तो वो सही काम बनेगा। तबेला भगत जी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? शांत पुजारी जी, शांत। इनका तो हो जाएगा। आओ अब उधर चले। अरे करीम मियां, मुंह क्या देखो? अरे चल जा, अरे चल जा, चल जा। कमाले फजलू, तवा तो बिल्कुल ठंडा है। फौजदार जी, जोते आर पार हो गई है, तवा फाड़ कर भी जल रही है। क्या बत रहे हो? जय माता, जय जेतावनी। अरे फजलू मियां, पानी। अरे पानी, पानी। ठंड पड़ गई। अरे हाथ जल गया। अरे बाबू, ये तो अच्छा हुआ कि पानी मिल गया, नहीं तो हम अपने हाथों से हाथ धो बैठते। ना पानी के झरने का रुख मंदिर की तरफ मोड़ दिया जाए, छूते तो क्या मंदिर ही बह जाएगा। कितना साफ और ठंडा पानी है। औसा जी, नहा न लिए क्या? नहा नहीं, तुम मरो गले कहीं के। सिपाहियों, इस पानी का रुख मंदिर की तरफ मोड़ दो। फौजदार जी, इतने अत्याचार न कीजिए, नदी का बांध टूटते ही पूरा मंदिर पानी में बह जाएगा। अरे बहता है तो बह जाए, हम जोते बुझा कर ही जाएंगे। पुजारी जी, माता पर विश्वास रखिए, जोता वाली अपने मंदिर की रक्षा स्वयं करेगी। जय माता, जल्दी करो। जय जोता वाली। स्वयं जोता ठीक बोलता हूं। मैं कहता नहीं, आओ हटाओ इसे, आओ जल्दी करो। हां ठीक है, पानी चलाओ। जय जोता वाली। भगत जी ये देखिए, ये माता जोता वाली की। भक्तों, दुष्टों का नाश करने वाली माता के मंदिर की रक्षा करो, पानी के प्रवाह को मोड़ो। जाओ, चलो चलो चलो। माँ बदौलत के वजीरों को अभी भी शक है। अफसोस, क्या आप सब लोग अपने बादशाह को सही मशवरा नहीं दे सके? बीरबल, तुम क्यों चुप हो? तुम्हें तो जोता वाली माता की शक्ति के बारे में मालूम होगा, तुमने अपने बादशाह को क्यों नहीं बताया? आलम बना, इधर बादशाही ताकत, उधर माँ की ताकत, बंदे ने चुप रहने नहीं भला समझा।
मां बदौलत आज पहली बार महसूस कर रहे हैं कि बीरबल जैसा दानिशमंद वजीर बुजदिल है। आलम पना, मेरी चुप में बुजदिली कम और दानिशमंदी ज्यादा थी। बीरबल, इस बयान को साबित करने के लिए कोई ठोस दलील दो। आलम पना, अगर मैं उस वक्त माता की शक्ति के बारे में कहता तो आप मुझ पर शक करते। अगर मैं माता की शक्ति के बारे में इनकार करता तो झूठा बनता और माता के दरबार से धक्के खाता। इसका मतलब है कि माता में शक्ति है। मां बदौलत यह ऐलान करते हुए खुशी महसूस करते हैं कि हम खुद माता के दर्शन करने जाएंगे, आज ही इसी वक्त। देखो कितना बड़ा बादशाह अपना शीश झुका के माता के दरबार चला है, झोली को फैला के। नंगे नंगे पाओ जी। मंदिर की साफ सफाई का काम तो पूरा हो गया, अब आप पुजारी जी से प्रस्थान करने की आज्ञा ले लीजिए। इस वर्ष कुछ अधिक ही दिन लग गए हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ? अकबर अपने लश्कर के साथ मंदिर की ओर आ रहा है। गुरुदेव, जय माता की, जय माता की, जय जोता वाली माता की। माधो, शहनशाह का अहंकार टूटता नजर आ रहा है।
वो देखो। आलम बना उस तरफ। आइए 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 पधारिए शहंशाह माता के दरबार में। आइए जय जोता वाली की, जय जोता वाली। मां आज तक तेरे कई भगत हुए होंगे पर जलालुद्दीन अकबर जैसा कोई नहीं होगा। मैं तेरे वास्ते सोने का सबसे बड़ा छत्र लेकर आया हूं। स्वीकार नहीं किया, हमारा क्या दोष है? हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? क्या तेरे द्वार पे सिर्फ एक ही धर्म वाले आ सकते हैं? शहंशाह हिंद, माता के चरणों में किसी धर्म या जाति का प्रश्न नहीं उठता। इस द्वार पर हर उस बंदे का स्वागत है जिसमें अहंकार न हो। ध्यानु भगत, माता ने मेरी भेंट को ठुकरा के मुझे एक शहंशाह से फकीर बना दिया है। तुम मेरे लिए फरियाद करो, मुझे माता से माफी दिलवाओ। शहंशाह, माता के दरबार में अमीर गरीबी एक ही तराजू में तौली जाती है। अहंकारियों का अहंकार मिटाना, भूले भटकों को सही रास्ते पर लाना माता का कर्तव्य है। तुमने अहंकार भरे शब्द बोलकर जो अपराध किया है स्वयं उसके लिए क्षमा मांगो, माता अवश्य क्षमा करेगी। पहले इस नाचीज को शहंशाह बख्शी और अब कहती हो कि अहंकार न कर। मैंने अहंकार नहीं मान किया है मां, मान। अगर मेरे इस मान को अहंकार समझा गया है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मां तेरा ये बंदा फूलों का भंडार है और तू बख्शनहार है। मुझे बख्श दे मां, मुझे बख्श दे। माता जोता वाले की जय। माता लाता वाले की जय। माता लाता वाले की जय। आज ये बात साबित हो गई कि वाकई भक्ति में शक्ति है। ज्ञानु भगत, मां बदौलत तुम्हारे आभारी। ज्ञानु भगत की जय। माता जोता वाले की जय। मेरी सुंदरी बिनती, मेरा चोला रंग बसंती, भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए, मुंह मांगी मुरादे पाए। जो